नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। फिलहाल इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर और भाई 23 मार्च से भारत और इंग्लैंड वनडे फॉर्मेट में आमने सामने होने वाले हैं। तीन मैचों की बहुत ही शानदार वनडे सीरीज हमें भारत और इंग्लैंड के बीच देखने को मिलने वाली है। टेस्ट और टी ट्वेंटी सीरीज में हमें काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फॉर्मेट यानी वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमें आमने सामने होने वाली। और भाई यहां पर इन तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए फाइनली भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम में हमें काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम इस वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम और साथ ही साथ इंडियन टीम के स्कोर्स को पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप चाहते हैं कि भाई इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम इंग्लैंड को बुरी तरह से हराए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप फैंटेसी क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप अभी गेम्स ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको आपके वैलेट में ₹50 मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप यहां पर ₹500 डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहां पर आपके वैलेट में ₹1000 मिलेंगे, यानी भाई ₹500 एक्स्ट्रा मिलने वाले, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग साइड में देख पा रहे होंगे। यहां पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल रहा है जिससे हम अपना लॉस बिल्कुल आसानी से रिकवर कर सकते हैं। फुल मैच के साथ साथ हम यहां पर फर्स्ट इनिंग देखने के बाद सेकंड इनिंग के लिए यहां पर अपनी टीम बना सकते हैं और साथ ही साथ भाई यहां पर लाइव फैंटेसी भी हम खेल सकते हैं, यानी हर 5 ओवर के लिए हम यहां पर खेल सकते हैं जिससे अपना लॉस हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। केएल राहुल इनके ब्रांड एंबेसडर है, आपका विड्रॉल पे केवल 5 मिनट में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग ये ऐप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करने के बाद हमारा रेफरल कोड क्रिकेट इंडिया जरूर डालिए जिससे आप इन सभी ऑफर्स का फायदा उठा पाए। तो चलिए बिना समय गुवाए अब हम बात करते हैं वनडे सीरीज की। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि तीन मैचों की वनडे सीरीज दोनों टीमें आपस में खेलने वाली है। तीनों के तीनों वनडे मैच हमें पुणे में देखने को मिलेंगे, बिना दर्शकों के सभी मैच होने वाले हैं। पहला वनडे मुकाबला 23 मार्च को, दूसरा वनडे मुकाबला 26 मार्च को और तीसरा व अंतिम वनडे मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा। इस वनडे सीरीज में हमें भारतीय टीम में काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं जिनके ऊपर पहले ही यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आ चुकी। तो चलिए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं उन सभी अपडेट्स की। तो पहला अपडेट तो यह है कि भाई यहां पर पृथ्वी शाह और देवधर पड़ीकल इन दोनों खिलाड़ियों को चांस नहीं मिलने वाला। हालांकि आप सभी को पता है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा कहा कि भाई इनको यहां पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है दो खिलाड़ियों को लेकर। जी हां, भारत की वनडे टीम में प्रसिद्ध कृष्णा और कृणाल पांड्या इन दो युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को आईपीएल में ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी आराम नहीं दिया जाएगा, यानी भाई ये सभी बड़े खिलाड़ी इस वनडे सीरीज का हिस्सा होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ये दोनों खिलाड़ी इस वनडे सीरीज में कमबैक नहीं करने वाले हैं, अब ये डायरेक्ट सीधा आईपीएल ही खेलने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं भारत की संभावित 15 सदस्यीय टीम के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस 15 सदस्यीय टीम में 5 बल्लेबाजों के साथ यहां पर भारतीय टीम उतर सकती है, जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश अय्यर और मनीष पांडे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो भाई 3 ऑलराउंडर्स के साथ यहां पर भारतीय टीम उतर सकती है, जो है हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और यहां पर अक्षर पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की। तो भाई 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ यहां पर इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम उतरने वाली है, जो यहां पर ऋषभ पंत और केएल राहुल होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों की। तो 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ यहां पर भारतीय टीम उतर सकती है, जो यहां पर होने वाले हैं युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, टी नटराजन और मोहम्मद शमी। तो भाई कुछ ऐसी 15 सदस्यीय टीम इन 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए हमें भारत की दिखाई दे सकती है। इस टीम के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है और कौन सी टीम जीतेगी इस वनडे सीरीज को, भारत या फिर इंग्लैंड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।